आपको पता है कि किसी भी इंडियन के दिमाग में एक जवान बनना, आर्मी ऑफिसर बनना कहाँ से आता है? आर्मी ऑफिसर बनने की इच्छा एक इंडियन में तब आती है जब उसे अपनों से ज्यादा अपना देश प्यारा लगने लगता है। लेकिन देश तो हम सभी को प्यारा है, फिर हम सब आर्मी ऑफिसर्स क्यों नहीं? देखो, देश से प्यार करना और देश के लिए मर मिटना, इन दोनों में काफी अंतर होता है, काफी डिफरेंस है। एक जवान, एक आर्मी ऑफिसर अपने देश के लिए शहीद हो सकता है, मर सकता है, कुर्बान हो सकता है, बट क्या हम हो सकते हैं? नहीं ना। और यही बात हमें और जवानों को हमसे अलग करती है। पर फिर भी मेरे मन में एक सवाल था कि आखिर कोई इंसान 50,000 से लाख रुपए की सैलरी के लिए अपनी जान को दांव पर कैसे लगा सकता है? बल्कि हमारे देश में तो कुछ लोग चंद पैसों के लिए देश बेचने को तैयार हो जाते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, ईमानदारी खो देते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। एक्चुअली जैसे हमारे लिए सबसे प्यारा हमारा घर होता है, घर के लोग होते हैं, उसी तरह एक जवान के लिए उसका सबसे प्यारा घर, उसका परिवार, उसकी फैमिली, उसका देश होता है। और जब सोचो कि हम अपने छोटे से फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो वो उस इंसान का, तो उस जवान का तो इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा इंडिया, 130 करोड़ लोगों का देश है, तो उसकी तो इतनी बड़ी फैमिली हो गई ना, तो वो तो शहीद हो जाता है अगर इस देश के लिए, तो बहुत सी छोटी सी बात है।